Hi friends, let's see this question. Apply contrast stretching technique on 3-bit gray level image of size 4x4. So it's 3-bit gray level. So contrast stretching में क्या होता है कि इसमें हम image की intensity को उसके range को expand करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है कि ये image के gray levels हैं and then उसकी ये नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं. जैसे इसमें जीरो नंबर ऑफ टाइम है, सो जीरो ऑफ जीरो. इसमें 1 4 टाइम्स आया है, सो ग्रे लेवल ऑफ 1 द नंबर ऑफ पिक्सल्स इक्वल टू 4. सो इस तरीके से 2 4 टाइम्स है, 3 यहाँ 2 4 टाइम्स है, 3 1 टाइम है. ऐसे ये सारे ग्रे लेवल्स के इतने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं. ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या करना है कि जो इसमें जो इसकी इंटेंसिटी है उसको हमें एक्सपेंड करना है. तो इसके लिए हम एक लास्ट में आंसर में एक नया टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें यहाँ पे इसका ग्रे लेवल का नंबर होगा एंड देन न्यू नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यूज होंगी. तो यही हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हर एम वैल्यू के लिए, यहाँ पे एम ग्रे लेवल है, दैट इज 0 to 7, हर ग्रे लेवल के लिए, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 के लिए हम फाइंड करेंगे एल. ठीक है, और इस एल से हम इस टेबल को फिल करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एल का फॉर्मूला है एल इक्वल टू एल मैक्स माइनस एल मिन इनटू एम माइनस एम मिन डिवाइड बाय एम मैक्स माइनस एम मिन प्लस एल मिन. तो जितने सारे यहाँ पर टर्म्स हैं उसको देखते हैं वो क्या है. तो एल मिन, एल मैक्स, एम मिन एंड एम मैक्स. तो ये थ्री बिट ग्रे लेवल है. तो इसमें एल की वैल्यू 0 होगी, एल मिन की वैल्यू 0 एंड एल मैक्स की वैल्यू 7. दैट इज़ ये मिन एंड ये 7. अगर ये 4-bit होता तो मिन 0 होता एंड मैक्स होता 16. ठीक है, मीन्स 15. अगर ये 5-bit होता तो एल मिन होता 0 एंड एल मैक्स 31. ठीक है, और ये एम मिन एम मैक्स इसमें इस इमेज में ग्रे लेवल्स मिनिमम कौन सा है. तो मिनिमम 1 है एंड देन मैक्सिमम इसमें 6 है. ठीक है, तो इसमें तो ये एल का फॉर्मूला है. तो हम हर एम की वैल्यूज़ के लिए एल को फाइंड करेंगे. ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं इसको इसमें पुट करते हैं फॉर्मूले में. तो क्या होगा, एल इक्वल टू एल मैक्स दैट इज 7 माइनस एल मिन 0. नाउ एम ऐसे ही रहेगा. नाउ एम मिन 1 प्लस हेयर एल मिन इज 0 डिवाइड बाय एम मैक्स 6 एम मिन 1. सो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 एम माइनस 1, 7 एम माइनस 1 डिवाइड बाय 5. ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम m की वैल्यू 0 से लेके 7 तक पुट करेंगे. उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उससे हम इस टेबल को फिल करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हम इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, l इक्वल टू 7m-1 डिवाइड बाय 5. नाउ m इक्वल टू 0 के लिए l इक्वल टू, जब m में 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -7/5, दैट विल बी इक्वल टू -1.4, सिमिलर टू 0. नाउ m इज इक्वल टू 1 के लिए l इक्वल टू 1-1 0, सो l इक्वल टू 0. m इक्वल टू 2, देन l इक्वल टू 2-1 1, सो 7/5, so 1 + 4 is similar to 1. Now m equal to 3, l equal to 14/5, that will be equal to 2.8 is similar to 3. Okay, तो इसको fill कैसे करेंगे अभी 3 values तक. यहाँ पे l की values हम check करेंगे, start करेंगे. तो यहाँ पे l की values 0 है यहाँ पे और 0 है यहाँ पे. ठीक है, तो इस 0 के लिए हम प्लेस करेंगे इस m
जीरो अगर टू टाइम्स या थ्री टाइम्स है तो एम की वैल्यू वाली सारे प्लेस को ऐड करके और जो उसका आंसर इस टेबल्स होगा उसको यहाँ फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे जीरो जीरो एल है तो एम की वैल्यू के लिए वन है, ठीक है। तो इस टेबल में वन का जो भी आंसर होगा वो फिट करेंगे, दैट इज़ फोर, क्योंकि यहाँ पे जीरो का जीरो है तो इन इन दोनों के सम की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करेंगे। तो जीरो का जीरो एंड प्लस वन का फोर आ रहा है तो फोर पुट कर देंगे। नाउ यहाँ पे एल की वैल्यू वन है तो एल की वैल्यू वन के लिए हम एम की वैल्यू टू लिए हैं तो टू की वैल्यू यहाँ पे फोर है तो यहाँ वन के लिए भी फोर आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ एम इक्वल टू फोर के लिए यहाँ थ्री हो जाएगा तो एल इज इक्वल टू 71/5 दैट विल बी इक्वल टू 4.2 सिमिलर टू फोर। एम फाइव एल इक्वल टू 28/5 दैट विल बी इक्वल टू 5.6 सिमिलर टू 6। एम इज इक्वल टू 6 सो 35/5 दैट विल बी 7। नाउ एल इक्वल टू सेवन के लिए एम इक्वल टू सेवन के लिए एल इक्वल टू 42/5 दैट इज 8.2, ठीक है। तो ये सिमिलर होना चाहिए 8 से बट यहाँ पे मैक्सिमम ग्रे लेवल 7 है तो इसलिए ये सिमिलर हो जाएगा 7 के, ठीक है। तो अब इस टेबल को फिल करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड नहीं था तो सेकंड हो जाएगा जीरो। नाउ थर्ड यहाँ पे ये है तो थर्ड का थर्ड है तो थर्ड का वन हो जाएगा। नाउ फोर्थ सिंगल है तो फोर्थ का फोर दैट इज टू। नाउ फिफ्थ यहाँ पे नहीं है एल की वैल्यू तो जीरो। सिक्स यहाँ पे है तो सिक्स फाइव की वैल्यू सो टू। नाउ सेवन यहाँ पे दो है तो एम इज इक्वल टू सिक्स एंड एम इज इक्वल टू सेवन को हम ऐड कर देंगे तो ये थ्री प्लस जीरो थ्री तो इससे यहाँ पे थ्री हो जाएगा। तो ये हमने टेबल फाइनली फाइंड कर दिया जो कि कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग है जिससे कि हम इस रेंज को एक्सपेंड कर दिया। थैंक यू।